नाम दिदी सिंह है और आज मैं आप सभी के समक्ष राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए युवा संगम के अंतर्गत ओडिशा में मिले सभी अनुभवों के विषय में बोलूंगी। भारत सरकार द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम की इस योजना का उद्देश्य भारत के अनेक विभागों से आते हुए छात्रों को दूसरे राज्यों के बारे में अनुभव कराने का है। उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारे देश में अनेक तरह की संस्कृतियां व इतिहास है। इस पर्यटन कार्यक्रम में युवा मुख्य 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे, पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क एवं प्रौद्योगिकी। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगी ओडिशा राज्य के कोणार्क शहर में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर की। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया यह सूर्य मंदिर भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर परिसर में कदम रखते ही धीरे को अद्वितीय शांति एवं प्रसन्नता का एहसास होता है। कलिंग शैली में बने इस सूर्य मंदिर की उत्कृष्ट नक्काशी व इससे जुड़ी सभी पौराणिक कथाओं, मान्यताओं एवं धार्मिक भावनाएं दिल को छू जाती हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल यह सूर्य मंदिर की जितनी तारीफ की जाए कम है और मेरे जैसी वास्तुकला की छात्रा के लिए यह एक अमूल्य अनुभव रहा है। फिर हम वार्तालाप करते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर गांव में से एक रघुराजपुरा गांव की। यह गांव कला एवं संस्कृति का खजाना है। हम सभी युवाओं ने गांव की पारंपरिक एवं अति सुंदर कला पट्टचित्र को जाना और देखा। इसी गांव में देश के युवाओं ने क्षेत्रीय भोजन किया ओडिशा का, जिसके स्वाद के बारे में सोचकर अभी भी मन ललचा जाता है। जाहिर है कि अतिथि देव भव का प्रत्यक्ष अनुभव राजस्थान के युवकों ने रघुराजपुरा के निवासियों के द्वारा किया। हम सभी को भारत के प्रमुख पोर्ट्स में से एक पारादीप पोर्ट में भी भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। महानदी से बंगाल की खाड़ी तक बहता हुआ पानी व उस पर चलती हुई समुद्री जहाज़ों को देखकर सभी युवाओं का मन उत्तेजना व उत्साह से भर गया। सौभाग्य रहा हमारा कि हम रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर एवं सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर के भीतर जाकर उनकी कार्यशैली एवं विशिष्टीकरण को भी देख पाए। RMRC की डायरेक्टर डॉक्टर संगमित्रपति महिला सशक्तिकरण की एक अद्भुत उदाहरण है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा और RMRC द्वारा हमें दी गई ये मौका बहुत ही कीमती था। इसी तरह MSME के तहत CTTC में चल रही अनेक प्रौद्योगिक अध्ययन जैसे रोबोटिक्स व 3D प्रिंटिंग का प्रत्यक्ष अनुभव पाकर हम सभी ने बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त किया। ओडिशा को और गहरी तरह से जानने के लिए हम सभी गए रेवनशाह कॉलेज, जहां हमने वहां की हरियाली, वहां का शांतिपूर्ण वातावरण देखा और हमारा मन प्रफुल्लित हो उठा। हम सभी ने विश्वविद्यालय के इतिहास व उसकी वर्तमान की उपलब्धियां एवं प्रगति के बारे में जाना। फिर हम गए ओडिशा मैरिटाइम म्यूजियम, वहां हम सभी ने अनन्य नई चीज़ें करी और देखा। मिरर मेज, एक्वेरियम, म्यूजियम, 4D विजन जैसी अनेक दिलचस्प गतिविधियों ने हमारा मन खुशी से भर दिया। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, युवा संगम भारत का सभी युवाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। हमें मिला अनुभव यहाँ से जाकर हमारी आगे आने वाली जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। तो मेरी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और बाकी सभी बैठे गणमान्य व्यक्तियों से यह अनुरोध है कि आप इस स्कीम को आगे लंबे समय तक जारी रखें ताकि इस देश के हर युवा को एक मौका मिले ऐसे अनुभव को प्राप्त करने का।